तो जैसा कि हम देख रहे हैं, धीरे धीरे भारत में लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये जो धार्मिक स्थान हैं, इन धार्मिक स्थानों को भी लोगों के लिए जो है खोल दिया गया है। लेकिन एडिटोरियल का ये मानना है कि भाई मौजूदा दौर में धार्मिक स्थानों को आम जनता के लिए खोल देना ठीक नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि कोरोना वायरस के जो फैलने की स्पीड है वह और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी संबंध में टाइटल दिया गया है रॉन्ग प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिकताएँ, कि भाई जो प्राथमिकताएं हैं और उन प्राथमिकताओं में हमने क्या किया है कि ये जो धार्मिक स्थान हैं इनको पूजा के लिए जो है लोगों के लिए खोल दिया है, तो ये जो है ठीक नहीं है। बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप, कि भाई पूजा के लिए, है ना, फॉर वर्शिप, पूजा के लिए धार्मिक स्थानों को खोल देना। नाउ अभी हाल ही में इंडिया रिस्क हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो इसके देखो माध्यम से जो है क्या है कि भारत ने जो है ना एक तरीके से जोखिम उठाया है। भारत ने हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब संचरण या फिर प्रसार। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो कोरोना वायरस जो है वह एक कम्युनिटी लेवल पर, एक सामाजिक लेवल पर जो है इसके माध्यम से फैल सकता है। तो एक तरीके से भारत ने खतरा मोल लिया है धार्मिक स्थानों को पूजा के लिए खोल कर, है ना। तो ध्यान रखना, आप देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना फोर प्रीपोजिशन, ये क्यों लगाया हमने, उद्देश्य को दिखाने के लिए, है ना, कि भाई ये जो रिलीजियस प्लेसेस को हमने खोला तो किस लिए खोला, पूजा के लिए, है ना, उसके लिए। तो ये ध्यान में रखना है, इसको पर्पस दिखाने के लिए, किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, सम थिंग्स आर बेटर केप्ट फॉर लेटर ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, लेटर का मतलब बाद में। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई पेंडेमिक के दौरान, इसका मतलब है कि भाई वैश्विक महामारी के दौरान कुछ चीज़ों को बाद के लिए रखा जाए तो अच्छा है, तो बेहतर है। सम थिंग्स आर बेटर केप्ट, कि भाई कुछ चीज़ों को जो है रखा जाए फॉर लेटर, बाद के लिए, है ना, ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, कि भाई पेंडेमिक के दौरान, किसी भी वैश्विक महामारी के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें जो है बाद के लिए ही रखा जाना चाहिए। एंड पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली वन ऑफ देम, और वे चीज़ें जो कि वैश्विक महामारी के दौरान सबसे बाद में रखी जानी चाहिए उन्हीं में से है पब्लिक वर्शिप, सार्वजनिक रूप से, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूजा करना है सार्वजनिक रूप से, या फिर जो सार्वजनिक पूजा स्थल है ना, इट्स सर्टेनली, निश्चित रूप से वन ऑफ देम, ये उन्हीं में से एक आते हैं, कि भाई अगर कोई भी पेंडेमिक, कोई भी वैश्विक महामारी फैलती है तो ये जो सार्वजनिक पूजा के स्थान है ये बिल्कुल बाद में खुलने चाहिए। व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट वर रिसेंटली पोल्ड, एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब है ये जो महामारी होती है ना उस महामारी के विशेषज्ञ, वर रिसेंटली पोल्ड, पोल्ड का मतलब है कि भाई इनका क्या हुआ, एक तरीके से चुनाव कराया गया है ना, एक तरीके से मतदान कराया गया इनसे, है ना। व्हेन एपिडेमियोलॉजिस्ट वर रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी हाल ही में, पोल्ड इन द यूएस, कि भाई अमेरिका में ये जो महामारी के जो एक्सपर्ट हैं इनका जो है अभी हाल ही में मतदान किया गया, ऑन व्हेन दे वुड थिंक ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस। भाई इन लोगों से, ये जो महामारी के एक्सपर्ट हैं, इन लोगों से ये पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई ये जो एक तरीके से धार्मिक सेवाएं हैं या फिर ये जो धार्मिक पूजा स्थल है इनको जो है कब खोला जाना चाहिए, ना। व्हेन दे वुड थिंक, कि भाई आपको क्या लगता है ना, आप क्या सोचोगे अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस, कि भाई जो धार्मिक सेवाएं हैं इनको जो है कब अटेंड करने की जो है शुरुआत करनी चाहिए। 43% ऑफ अबाउट 200 रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स का मतलब है भाई जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तो लगभग 200 लोग थे, उनमें से 43% लोगों का ये मानना था, उन्होंने ये कहा, सैड दे वुड कंसिडर, कंसिडर का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जो है विचार करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, दैट इन 3 months टू ए ईयर। तो 200 में से 43% लोगों का ये कहना था कि हमें लगता है, उन ये जो महामारी के विशेषज्ञ ना उनको ने कहा कि कम से कम 3 महीने से लेके और साल भर तक जो है ये जो आप कह सकते हो कि भाई धार्मिक पूजा स्थल है इनको नहीं खोला जाना चाहिए ना। तो उन्होंने यही कहा कि दे वुड कंसिडर, कि भाई हमारे हिसाब से तो अगर हमारी मानना चाहते हो आप तो 3 महीने से जो है लेकर और 1 साल तक जो है ये बंद ही रहने चाहिए। एंड एन इक्वल नंबर सेड नॉट फॉर 1 ईयर, और लगभग इतनी ही संख्या में, लगभग 43% लोगों ने ही और ज़्यादा जो क्या कहा, इक्वल नंबर सेड नॉट फॉर 1 ईयर, कि लगभग 1 साल तक जो है ये बंद ही रहना चाहिए ना। तो भाई इनसे जब पूछा गया ना कि भाई आपके अनुसार आप क्या कहोगे, आपका क्या मानना है कि भाई ये जो एक तरीके से खोल दिया जाना चाहिए, कब खोला जाना चाहिए धार्मिक पूजा स्थलों को, तो ज़्यादातर लोगों ने अपना विचार यही व्यक्त किया
कि भाई जो है लगभग 3 से और साल भर तक जो है बंद रहने चाहिए, और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई साल भर तक जो है ये बंद ही रहने चाहिए। आगे देखते हैं। देयर कॉशन ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग्स, कॉशन का यहाँ पे मतलब एक तरीके की सावधानी है ना, ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा होना है ना धार्मिक रूप से, मास रिलीजियस गैदरिंग का मतलब है कि भाई लोगों का जो है धार्मिक धार्मिक सभा के रूप में जो है इकट्ठा होना, लोगों का जो है किसी धार्मिक कार्य के लिए इकट्ठा होना ना। देयर क्वेश्चन ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग विच डू नॉट लैंड देमसेल्व्स टू फिजिकल डिस्टेंसिंग विच डू, कि भाई जब लोग धार्मिक कार्यों के लिए एक तरीके से जब इकट्ठा होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भीड़ धार्मिक पर्पज से जब इकट्ठी होती है तो उसके माध्यम से क्या होता है, विच डू नॉट लैंड देमसेल्व। अभी जो लिखा हुआ है ना लैंड इट सेल्फ टू समथिंग, लैंड इट सेल्फ टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के उपयुक्त होना, सूटेबल होना है ना। तो यहाँ पे लैंड का जो मतलब है ना वो यहाँ पे लैंड का मतलब है सूटेबल होना। विच डू नॉट लैंड देमसेल्व टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि भाई जब लोग धार्मिक सभा के रूप में जब इकट्ठे होते हैं तो यह जो है अनुपयुक्त बना देते हैं। किस चीज़ को अनुपयुक्त बना देते हैं, कि भाई ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि भाई दूरी बरतना है ना, कि भाई हमने कहा है कोरोना वायरस के दौर में जो है एक तरीके से सभी के लिए एक आम निर्देश है कि भाई जितना ज़्यादा मेंटेन हो सके जो है दूरी बना कर रखो। लेकिन एडिटोरियल का कहना है कि जब आप धार्मिक रूप में जब इकट्ठे होते हो तो ये दूरी मेंटेन करना जो है ना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, दूरी मेंटेन करने को अनुपयुक्त तो बना देता है लोगों का धार्मिक रूप में इकट्ठा होना। एंड हैव ए हिस्ट्री ऑफ एम्पलीफाइंग द COVID-19 पेंडेमिक इन मोर देन वन कंट्री। अब देखो एडिटोरियल और क्या बोलता है कि भाई ये जो लोगों का एक तरीके से इकट्ठा होना धार्मिक सभा के रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग को जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ बना देता है, और साथ ही साथ हमें एक हिस्ट्री देखने को मिली है, क्या इतिहास देखने को मिला है हमें ऑफ एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना है ना, एम्पलीफाइंग द COVID-19 पेंडेमिक इन मोर देन वन कंट्री, कि भाई एक से ज़्यादा देशों में हमें ये रिकॉर्ड देखने को मिला है कि जहाँ भी इस तरह की ये जो धार्मिक सभा इकट्ठी हुई वैश्विक महामारी के दौरान है ना COVID-19 पेंडेमिक के दौरान, तो इसके माध्यम से क्या हुए केसेस जो है बढ़ गए है ना, कोरोना वायरस के जो है केसेस बढ़ गए। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुड सोबर डाउन गवर्नमेंट्स दैट आर कीन टू ओपन रिलीजियस प्लेसेस अर्ली इन द लॉकडाउन। शुड सोबर डाउन, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना सोबर डाउन, इस सोबर डाउन शब्द का मतलब होता है गंभीर हो जाना है ना, टू बिकम मोर सीरियस इन एटीट्यूड, कि भाई आपको जो है और गंभीर हो जाना है ना। शुड सोबर डाउन गवर्नमेंट्स दैट आर कीन, कीन का मतलब होता है अत्यधिक उत्सुक होना, किसी काम को करने के लिए जब बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई जाती है ना तब हम कीन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एडिटोरियल यह कहना चाह रहा है कि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सरकारें हैं जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है किस चीज़ के लिए, धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए है ना, अर्ली मतलब बहुत जल्दी धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए जो सरकारें उत्सुक है ना, इन द अनलॉक फेस। अनलॉक फेस का मतलब होता है कि ये जो फेज का मतलब है चरण, अनलॉक फेज का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन को जो धीरे धीरे हटा रहे हैं ना, अनलॉक करना मतलब किसी चीज़ को खोलना, यानी कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है, और इस खोले जाने की फेज़ में जो सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हैं कि भाई धार्मिक स्थानों को खोला जाना चाहिए, उन्हें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भाई जब लोग धार्मिक सभा के रूप में किसी जगह पे एकत्रित होते हैं तो उसके माध्यम से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कठिन हो जाता है। और हमें यह भी देखने को मिला है काफ़ी देशों में कि जहाँ भी मास रिलीजियस गैदरिंग्स हुई तो ये जो है COVID-19 को फैलने में जो है ज़्यादा मदद मिली। आगे देखते हैं। इवन विथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, ई पासेस, डिस्टेंस मार्किंग एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाय स्टाफ, गैदरिंग्स इन कन्फाइंड स्पेसेस गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल। देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि देखो इसको देख लेना पहले, तो ये जो लिखा हुआ है ना ग्रेन 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 ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स है ना, किसी भी चीज़ के ग्रेन जो है ना यहाँ पे, इस ग्रेन का मतलब है ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, किसी भी गुण की बहुत छोटी मात्रा है ना उसको कहा जाता है ग्रेन। इवन विथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लो है ना, ई पासेस दे दो आप लोगों को है ना, ई पासेस उपलब्ध करा दो लोगों को है ना, डिस्टेंस मार्किंग एंड यूज ऑफ पर्सनल
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, लोगों को जो है डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बोल दो। इसके अलावा लोगों को आप कह दो कि भाई लोग जो है ना व्यक्तिगत रूप से, प्रोटेक्टिव का मतलब है आपको बचाने के उपकरण जो है ना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब है कि आपकी सुरक्षा के जो उपकरण है ना उनको आप बोल दो, कि भाई लोगों को आप कह दो कि भाई आप जो है एक तरीके से पर्सनल सुरक्षा के उपकरण जो है प्रयोग में लेके आओगे। गैदरिंग इन कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब है सीमित क्षेत्र, कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब है सीमित क्षेत्र, और गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा होना, सीमित क्षेत्र में लोगों का इकट्ठा होना। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि लोगों को आप ई पास उपलब्ध करा दो, लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दो, है ना, इसके अलावा लोगों को जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने के लिए बोल दो। इन सब के बावजूद भी लोगों का सीमित क्षेत्र में इकट्ठा होना प्रतिकूल जाता है, गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ इन्फेक्शन, प्रतिकूल जाता है। किस बात के प्रतिकूल जाता है, इस क्वालिटी के प्रतिकूल जाता है ना, ग्रेन का मतलब है यहाँ पे छोटी क्वालिटी, किस क्वालिटी के प्रतिकूल जाता है, ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, कि भाई कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कोरोना वायरस की रोकथाम के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जाती है ये बात। कौन सी बात, कि भले ही आप कितने भी एहतियात बरत लो, उन एहतियातों को बरतने के भी बावजूद जो है सीमित क्षेत्रों में भी अगर आप इकट्ठे होते हो ना, तो वह भी कोरोना वायरस के लिहाज से जो है ठीक नहीं है। इट इज़ हर्टनिंग, हर्टनिंग का मतलब है कि भाई ये जो है ना एक तरीके से आपके हृदय को सुकून देने वाली बात है ना। कौन सी बात है हृदय को सुकून देने वाली, इट इज़ हर्टनिंग दैट सम टेम्पल बोर्ड्स, है ना, कि भाई कुछ मंदिर से जुड़े हुए जो बोर्ड हैं, इसके अलावा जो कुछ चर्च हैं या फिर कुछ इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़ हैं, का मतलब है कि भाई जो कुछ इस्लाम से जुड़ी हुई धार्मिक संस्थाएं हैं, हैव वाइजली डिसाइडेड, तो इन सब ने जो है बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से यह फैसला लिया है टू रिमेन क्लोज्ड, है ना, कि भाई सरकार ने तो बोल दिया इनको खोले जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर हैं, कुछ चर्च हैं और कुछ ये जो है इस्लामिक धार्मिक संस्था हैं, इन्होंने जो है फैसला लिया है बंद रहने का, है ना, कि भाई जो है ये जो संस्थान है धार्मिक संस्थान है इनको बंद रखा जाएगा, है ना, ये फैसला लिया है इन्होंने। एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला है। आगे देखते हैं, एज अमॉन्ग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, इंडिया, इंडिया के लिए कहा गया है कि भाई इंडिया जो है टॉप 5 जो देश, विश्व के जो 5 देश जो कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हैं, इंडिया जो है इंडिया की गिनती उनमें आती है, तो ऐसे हालातों में इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया जो है वहन नहीं कर सकता, इंडिया इस बात को नहीं झेल सकता, किस चीज़ को, टू क्रिएट कंडीशंस कि भारत जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा करे दैट लीड टू, लीड टू का मतलब है जो कि ले जाए, जो कि कारण बने, मास ट्रांसमिशन, मास ट्रांसमिशन का मतलब है कोरोना वायरस का जो है एक तरीके से व्यापक स्तर पर फैलना, कोरोना वायरस का जो है एक तरीके से भीड़ के स्तर पर फैलना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई भारत जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिनमें कोरोना वायरस का कहर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे हालातों में भारत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, इस चीज़ को जो है नहीं झेल सकता कि भारत ऐसी स्थितियाँ पैदा करें जो कि मास ट्रांसमिशन का कारण बने, जो कि कोरोना वायरस के व्यापक रूप से फैलने का कारण बने। द प्रायोरिटी टुडे इज, कि वर्तमान में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो वर्तमान में जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये इज टू रीफ्लॉट ए क्रिपल्ड इकोनॉमी सेफली। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिपल्ड इकोनॉमी, देखो क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ क्रिपल्ड हालत में होती है ना, तो उसका मतलब है वो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा पंगु हालत में है ना, कि मतलब वो बहुत चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हालत में है ना, कि उस वो चीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलते हैं क्रिपल्ड हालत में होना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही पंगु हालत में है, वो बिल्कुल डूबती हुई हालत में है ना, उसको रीफ्लोट, रीफ्लोट का मतलब क्या है, रीफ्लोट का मतलब है दोबारा तैरने की हालत में, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल डूबती हुई हालत में है वह वापस तैरने लगे, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है कि द प्रायोरिटी टुडे इज टू रीफ्लोट ए क्रिपल्ड इकोनॉमी सेफली, कि बहुत ही सुरक्षापूर्ण तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह दोबारा से तैरने लगे, उसमें जो है दोबारा से सुधार हो, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वाइल, जबकि, साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब है स्थगित कर देना, ऑल ऑप्शनल एक्टिविटीज़, ऑप्शनल एक्टिविटीज़ का मतलब है ऐच्छिक क्रियाकलाप, टू ए टाइम, कि भाई इसके अलावा अन्य जो गतिविधियाँ हैं उन्हें उस समय तक रोक दिया जाना चाहिए, किस समय तक, वैन देयर इज बेटर डिसीज कंट्रोल, कि जब तक ये जो कोरोना वायरस है इसको जो है हम बहुत ही बेहतर तरीके से इसको जो है नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक जो है अन्य क्रियाकलापों को रोक दिया जाना चाहिए। एंड प्रिवेंशन
एंड ट्रीटमेंट कोर्सेज आर अवेलेबल। और जब तक कोरोना वायरस के रोकथाम संबंधी और कोरोना वायरस के उपचार संबंधी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्सेज का मतलब यहाँ पे मार्ग, जब तक कोरोना वायरस ये जो बीमारी है इसकी रोकथाम से संबंधित और इसके उपचार से संबंधित जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो उपचार जब तक उपलब्ध नहीं हो जाता पूरी तरीके से, रोकथाम के लिए जो भी निवारक उपाय हैं वे पूरे के पूरे निवारक उपाय उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें क्या करना चाहिए, अन्य जो हमारी गतिविधियां हैं मैक्सिमम गतिविधियों को जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। द कंपल्शन टू अनलॉक व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक्ड हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑनस ऑफ रिमेनिंग सेफ ऑन पीपल। देखो क्या एडिटोरियल बात, कंपल्सन का मतलब है बाध्यता, अनलॉक अनलॉक का मतलब यही खोलना किसी चीज़ को, है ना। यहाँ पे एक बात की जा रही है हमारे जो ये लॉकडाउन को खोल रहे हैं ना। द कंपल्सन टू अनलॉक व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक। देखो पीक का मतलब क्या होता है, पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, किसी चीज़ का बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाना, बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाना। द कंपल्शन टू अनलॉक कि भाई ये जो लॉकडाउन है इसको खोलने की बाध्यता, व्हेन इन्फेक्शन है ना कि जब संक्रमण जो हैव नॉट पीक्ड है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैला हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑनस, ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी है ना, ऑफ रिमेनिंग सेफ ऑन पीपल कि भाई कोरोना वायरस जब ज़्यादा लोगों में जो है नहीं फैला है तो इसके माध्यम से क्या है, एक तरीके से लोगों पर ये जिम्मेदारी है, लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि भाई जो लोग जो हैं वह सेफ बने रहें, सुरक्षित बने रहें। ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम कि भाई ए सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी मात्रा है ना, ए सेक्शन का मतलब है तबका वर्ग, ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम हैव हेल्थ वल्नरेबिलिटीज। देखो वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर स्थिति में होना, ऐसी हालत में होना जैसे कि भाई अगर हम कहें कि आप जो है कोरोना वायरस के प्रति वल्नरेबल हो, इसका मतलब है आप कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही कमजोर स्थिति में हो, यानी कि आप बहुत जल्द कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हो, है ना। तो कहा जाएगा कि आप जो है कोरोना वायरस के प्रति वल्नरेबल हो, तो वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर स्थिति में होना। तो एडिटोर ये कहना चाह रहा है कि सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम हैव हेल्थ वल्नरेबिलिटी सच एज डायबिटीज कि भाई जैसे कि कुछ लोग हैं, मतलब एक बहुत बड़ा तबका है वह क्या है कोरोना वायरस के को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको कई बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है। अब देखो कई लोगों का ऐसा मानना है, कई एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि भाई जैसे कई बीमारियां हैं जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, तो अगर आपको ये डायबिटीज़ है ना तो आप जो है कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हो, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप जो है कोशिश करो सेफ बने रहने की। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है। गोइंग बाय ICMR लिंक्ड स्टडीज़, गोइंग बाय ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लिंक्ड स्टडीज़ कि भाई ICMR के अध्ययन की अगर हम माने तो द डिजीज़ बर्डन फॉर डायबिटीज़ अलोन हैज़ ग्रोन 80% सिंस 1990। तो 1990 से लेकर अब तक ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डायबिटीज़ है ना इसका भार, बर्डन का मतलब है भार, कि डायबिटीज़ बीमारी का भार जो है अलोन है ना, सिर्फ मात्र अगर हम इसी की बात करें तो ग्रोन 80%। तो ये भी जो है ना मतलब ये मानो कि डायबिटीज़ जो है ना इसका भार ही 1990 से लेकर अब तक 80% बढ़ चुका है ना। और यह भी बात जो है काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई जिन लोगों को एक तरीके से डायबिटीज़ है ना तो वह जो है उनको जो है कोरोना वायरस का फैलने का खतरा भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये बात करना चाह रहा है कि भाई सुरक्षा के उपाय अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनता के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही अन्य बीमारियों की चपेट में है। हाईलाइटिंग द इनॉर्मस रिस्क ऑफ वायरस एक्सपोजर, तो अब आप देख सकते हो कि भाई जब डायबिटीज़ जो है 1990 से लेकर अब तक बढ़ गई है कितनी, 80% जो है बढ़ गई है। और यह भी बात बिल्कुल जो है लगभग सामने है कि भाई खास करके ये जो मरीज़ हैं और खास करके ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं इनको जो है फैलने का जो है खतरा और भी ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, इन ये जो है कोरोना वायरस की चपेट में जो है ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। तो यह बात इस बात को हाईलाइट करती है, इस बात को रेखांकित करती है द इनॉर्मस रिस्क। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है ना, अत्यधिक, जब कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में होती है ना तब हम इनॉर्मस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में है ना। तो हाईलाइटिंग द इनॉर्मस रिस्क ऑफ वायरस एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आप किसी चीज़ के प्रति खुले होना, एक्सपोजर का मतलब होता है जैसे आप अपनी छत पे बैठे हो और आपने अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रखा है सनलाइट के प्रति, है ना। तो इस प्रकार बोलते हैं किसी चीज़ के प्रति खुले होना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई यह जो तथ्य है
कि भाई कौन सा तथ्य, कि भाई एक तरीके से आप कौन सा तथ्य, इस तथ्य की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो डायबिटीज़ से संबंधित जो पेशेंट हैं उनको कोरोना वायरस के जो है खतरा ज़्यादा है, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में 1990 से लेकर अब तक बढ़े हैं। तो इस तथ्य को, ये जो तथ्य है, ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि भाई वायरस जो है कितनी ज़्यादा मात्रा में फैलने का खतरा है, वायरस के, है ना, कितनी ज़्यादा रिस्क है। मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स, मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स का मतलब है कि भाई लाखों की संख्या में जो नागरिक हैं नाउ फेस एग्रावेट। देखो एग्रावेट का मतलब क्या होता है, एग्रावेट का मतलब होता है कि कोई खतर, कोई ख़राब परिस्थिति है ना, वह और ज़्यादा बढ़ जाए, तब हम प्रयोग करते हैं एग्रावेट शब्द का। तो एग्रावेटेड का यहाँ पे मतलब है बड़ी हुई, है ना, पहले से बड़ी हुई, एग्रावेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स नाउ फेस, कि भाई लाखों की संख्या में जो नागरिक हैं वे अब जो है सामना करते हैं किस चीज़ का, एग्रावेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, है ना, उनको खतरा बना हुआ है कि भाई जो है सामाजिक स्तर पर कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, सामाजिक स्तर पर जो है कोरोना वायरस जो है फैल सकता है ना, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं, आफ्टर परस्यूइंग, है ना, आफ्टर परस्यूइंग ए लॉकडाउन स्ट्रेटजी। देखो परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना, कोई आपका गोल है, कोई आपका टारगेट है, उसको जब आप पकड़ने के लिए कोई कोशिश करते हो ना, तब आप यूज करते हो परस्यू शब्द का। आफ्टर परस्यूइंग ए लॉकडाउन स्ट्रेटजी दैट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, है ना, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर परस्यूइंग एक लॉकडाउन स्ट्रेटजी, कि हमने क्या किया कि जो है एक लॉकडाउन स्ट्रेटजी लगाई। स्ट्रेटजी का मतलब है कोई भी आपकी नीति, है ना, कि हमने क्या किया कि लॉकडाउन को जो है लागू किया। क्यों लागू किया, दैट हैड लो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव ऑन द इन्फेक्शन कर्व, कि भाई जिसके माध्यम से ये जो कोरोना वायरस का कर्व है, कर्व का मतलब है कि भाई जैसे कोरोना वायरस जो है ये बढ़ता जा रहा है ना, तो इस कर्व को क्या किया जाए, किया जा सके, कम किया जा सके, इस कर्व को जो है फ्लैट किया जा सके ना, जितना कम हो सके ना। तो हमने क्या किया, लॉकडाउन की स्ट्रेटजी लगाई दैट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, ताकि भाई ये जो हमारा इन्फेक्शन का कर्व है ये कम हो सके, यानी कि कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कम हो सके। बट मैनी नेगेटिव नेगेटिव आउटकम का मतलब क्या होता है, नतीजा या फिर परिणाम, है ना। बट मैनी नेगेटिव आउटकम्स, इंडिया नीड्स टू ड्रॉ अप इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज केयरफुल। लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई ठीक है कि हमने जो है लॉकडाउन की स्ट्रेटजी लगाई, है ना, लॉकडाउन की नीति को जो है लागू किया, है ना, दैट हैड लो इम्पैक्ट ऑन द इन्फेक्शन कर्व, लेकिन इन्फेक्शन कर्व पे जो है ना उसका मतलब कम प्रभाव हमें देखने को मिला। बट मैनी नेगेटिव आउटकम्स का मतलब है इसके हमें काफ़ी जो है नकारात्मक जो है नतीजे हमें देखने को मिले। नकारात्मक नतीजों से क्या मतलब है कि भाई हमें जो है अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से नुकसान भुगतना पड़ा हमें, है ना, अर्थव्यवस्था का लॉस हुआ। इसके अलावा काफ़ी सारे जो पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के, जो अलावा जो अन्य पेशेंट्स थे ना, उनको जो है काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे नकारात्मक नतीजे हमें देखने को मिले। इंडिया नीड्स, अब भारत को जरूरत है टू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है दोबारा से खींचना, इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज, है ना, ड्रॉप का मतलब दोबारा से खींचना या फिर दोबारा से निर्धारित करना। तो भारत को दोबारा से निर्धारित करने की जरूरत है किस चीज़ को, इट्स अनलॉक प्रायोरिटीज केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, ये जो हम अनलॉक कर रहे हैं ना, ये जो खोल रहे हैं लॉकडाउन को, तो इस लॉकडाउन को खोलने के दौरान भारत की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को दोबारा से जो है और सावधानी पूर्वक जो है निर्धारित किए जाने की जरूरत है। आगे देखते हैं, इट मस्ट शो द पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, है ना, किसी चीज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लागू करना। नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान। तो भारत को जो है दिखाना चाहिए, है ना, मस्ट बिल्कुल जरूर दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का मतलब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, टू एनफोर्स नॉर्म्स ऑन पब्लिक बिहेवियर सच एज मास्क वियरिंग, है ना, भाई मास्क को पहनने को लेकर, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग, है ना, कि भाई लोगों जो लोग जो है दूरी मेंटेन करें। तो ये जो कुछ बातें हैं ना कि लोग बाग जो है मास्क पहने, लोग बाग जो है एक तरीके से फिजिकल डिस्टेंस को जो है मेंटेन करें, है ना, इस तरह का जो पब्लिक बिहेवियर है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है उनको लागू करने के लिए, उनको सख्ती से लागू करने को लेकर भारत को जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। येट फिर भी द सीन्स फ्रॉम मैनी सिटीज़, कि भाई कई जो शहर हैं वहाँ से हमें क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, कमिंग आउट, है ना, जो कि हमारे सामने आ रहे हैं, काफ़ी शहरों से जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं और कमिंग आउट ऑफ लॉकडाउन, है ना, कि भाई लॉकडाउन के चलते कई शहरों से हमें जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो क्या हैं, इंक्लूडिंग हार्ड हिट वन,
हार्ड हिट वंस का मतलब है ऐसे शहर जो कि कोरोना वायरस से बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं ना, जैसे कि मुंबई है। तो कई शहरों से हमें क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, शो वे नज़ारे दिखाते हैं। एंग्शियस क्राउडिंग का मतलब है एक तरीके से चिंतित भीड़ है ना। एंग्शियस क्राउडिंग, एंग्शियस का मतलब क्या होता है, चिंतित। एंग्शियस क्राउडिंग का मतलब है इन मैनी सिचुएशंस, कि भाई काफ़ी सारी परिस्थितियों में जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से क्राउडिंग देखने को मिल रही है ना, लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप देख लो, सार्वजनिक यातायात को भी देख लो, तो वहाँ भी जो है आपको हमें क्या देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है देखने को मिल रही है ना। नाइट कर्फ्यूज़ आर वीकली इन्फोर्स्ड, कि भाई अभी वर्तमान दौर में जो है नाइट कर्फ्यू लगा रखा है हमने, लेकिन ये जो नाइट कर्फ्यू है आर वीकली इन्फोर्स्ड, इसका जो लागूकरण है, कर्फ्यू तो हमने लगा रखा है ना, रात्रि कालीन कर्फ्यू हमने लगा रखा है, लेकिन उसका जो लागूकरण है वो बहुत ही कमजोर है ना। आगे देखते हैं, दिस इज वरिंग। तो ये सब बातें जो है वह भारत के लिए चिंताजनक है। तो इसी संबंध में एडिटोरियल कहता है कि भाई पॉलिटिकल विल होना जरूरी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना जरूरी है, और कोरोना वायरस के प्रति रोकने के लिए हमने जो भी नियम कानून बना रखे हैं ना, उनको सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। दिस इज वरिंग, यह चिंताजनक है। कंसिडरिंग, कंसिडरिंग का मतलब है इन चीज़ों को ख्याल में लेते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। कंसिडरिंग द लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी दैट एग्जिस्ट, कंसिडरिंग द लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी, भाई हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के पास जो एक तरीके की, भारत की जो एक तरीके से मेडिकल क्षमता है ना, एक तरीके से भारत की जो चिकित्सा क्षमता है वो बहुत ही सीमित है, यानी कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त जो है सुविधाएं नहीं हैं। तो इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, रोकथाम को सख्ती से लागू करना चाहिए। दैट एग्जिस्ट का मतलब है जो वर्तमान हालात में मौजूद है, यानी कि हमारी मेडिकल कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम है टू केयर फॉर ए लार्ज नंबर। कि भाई अगर बहुत ज़्यादा संख्या में कोरोना वायरस के अगर मरीज हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको केयर देने के लिए, उनकी जो है एक तरीके से सुरक्षा करने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मेडिकल कैपेसिटी है। हु माइट सफ़र है ना, लार्ज नंबर, हु माइट सफ़र, जिनकी की संभावना बनती है कि वह जो है झेल सकते हैं ना। सफ़र का मतलब है किसी चीज़ से प्रभावित होना, किसी चीज़ को झेलना। द वर्स्ट इफेक्ट का मतलब है बहुत ही बुरे परिणाम ऑफ कोविड-19, कि भाई लोगों की एक ज़्यादा बड़ी मात्रा जो कि कोविड-19 के जो सबसे खतरनाक परिणामों को झेल सकती है, उसको एक तरीके से हम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकें, इसके हमारे पास जो है ना बहुत ही सीमित संसाधन है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे जो माइट का प्रयोग किया है ना हमने, मे हो या फिर माइट का प्रयोग हो, तो इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, कोई भी अगर हमें संभावना दिखानी हो ना, तो हमें लग रहा है कोई ज़्यादा संभावना लग रही है, कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, चांसेस ज़्यादा है, तो माइट का, मे का प्रयोग कर दिया। चांसेस कम लग रहे हैं तो माइट का प्रयोग कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो है ना एक तरीके से, और कभी कभी क्या है, मे माइट है ना, दोनों का आप प्रयोग जो है एक तरीके से आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना। तो हु माइट सफर कि मतलब ऐसे लोग जिनकी संभावना बनती है कि वे कोरोना वायरस के बुरे प्रभाव झेल सकते हैं, उनको झेलने पड़ सकते हैं, तो हमारे पास जो है ना लिमिटेड मेडिकल सुविधा है। आगे देखते हैं कि गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग, गेटिंग अनलॉकिंग रॉन्ग, गेट का मतलब है प्राप्त करना, अनलॉकिंग का मतलब है खोलना, रॉन्ग है ना। कि भाई एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हम अनलॉक कर रहे हैं ना, ये जो कोरोना वायरस एक तरीके से लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, इसको गलत तरीके से हटाना कुड हो सकता है ना। ये आया है कुड यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कुड मीन इसका मतलब क्या हो सकता है, एन एक्सप्लोजन ऑफ केसेस का मतलब है कि हमें ये देखने को मिल सकता है कि कोरोना वायरस के केसेस में एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, कि कोरोना वायरस के केसेस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आ जाएं, ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे कुड भी लगा दिया हमने, तो मे है, माइट है, कुड है ना, इनका सबका प्रयोग जो है ना एक तरीके से संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। विच WHO हैज़ वार्ट है ना, कि भाई ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने हमें चेतावनी दी है, रिमेन्स ए पॉसिबिलिटी इन इंडिया, कि भाई भारत में जो है एक संभावना बनी हुई है कि अगर लॉकडाउन को लेकर एहतियात नहीं बरते गए सही तरीके से, या इसको अनलॉक करने को लेकर एहतियात नहीं बरते गए, तो जो है कोरोना वायरस का जो है एक्सप्लोजन हो सकता है भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। इस बात की चेतावनी WHO ने जारी की है। आगे देखते हैं कि नेशनल पॉलिसी शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अभी देखो ये EDM आई है ना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है किसी काम को गलत ढंग से जो है करना, कि भाई सबसे आगे तो घोड़े लगेंगे, घोड़े के पीछे गाड़ी लगेगी, लेकिन आपने क्या किया, गाड़ी को आगे लगा दिया, घोड़ों को पीछे लगा दिया। तो इसको बोला जाता है किसी काम को गलत ढंग से करना है ना।
तो नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय जो हमारी नीति है, शुड नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए, है ना, कि भाई जो काम पहले किया जाना चाहिए उस काम को पहले करो, जो काम बाद में किया जाना चाहिए उस काम को बाद में करो। बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज सच एज वर्शिप एट पब्लिक प्लेसेस। तो हमारी राष्ट्रीय जो नीति है, उस राष्ट्रीय नीति के तहत अगर हम प्राथमिकता देते हैं गतिविधियों को, कैसी गतिविधियाँ, जैसे कि पूजा करने की गतिविधियाँ हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जो पूजा करने की गतिविधियाँ हैं ना, तो इसका मतलब जो है हम गलत ढंग से काम कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ मुख्यतः होनी चाहिए कि भाई हम जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाएँ किसी तरह से, और उसके लिए जो किया जाना चाहिए ना, उन प्रयासों को करें, और ये जो पूजा पाठ के काम है, ये मंदिर और ये जो पूजा से जुड़े हुए काम है ना, इनको हम जो है बाद में करना चाहिए। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस मस्ट बी डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब एक तरीके से समर्पित कर देना, कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनको जो है आपको क्या करना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। टुवार्ड्स किस ओर, प्रोडक्टिव, उत्पादक एंड इशेंशियल वर्क, कि भाई जो बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, जो बहुत ज़्यादा फल देने वाला काम है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादक काम है, उस ओर हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा, हमारे पूरे संसाधन उस ओर लगने चाहिए। द सेंटर हैज़ टू ऑल्सो एक्सप्लेन, है ना, द सेंटर हैज़ टू ऑल्सो एक्सप्लेन वाट इट इज़ डूइंग। अब देखो ये हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं ना, उसके लिए उसको हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं बाध्यता को दिखाने के लिए, है ना, कि भाई ये जो है करना, मतलब आपको लगे ना कि भाई यार इसका तो कंपल्शन है, ये तो करना पड़ेगा, है ना, तब हम प्रयोग करते हैं हैज टू का। द सेंटर हैज़ टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि भाई केंद्र सरकार को अभी ये भी समझाना है, या फिर केंद्र सरकार को अभी ये समझाना पड़ेगा, या फिर अभी केंद्र सरकार को ये समझाना होगा, है ना। तो इस तरह से हिंदी ट्रांसलेशन इसके कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान आपको ये रखना है कि भाई हैज टू का प्रयोग करे हुए आप बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए ना, कि ये काम जो है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना। द सेंटर हैज़ टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि भाई अभी केंद्र सरकार को इस बात को भी एक्सप्लेन करना है वाट इट इज़ डूइंग, कि भाई केंद्र सरकार कर क्या रही है। वाट इट इज़ डूइंग टू असेस का मतलब है मूल्यांकन, कि भाई केंद्र सरकार मूल्यांकन करने के लिए क्या कर रही है, किस चीज़ का मूल्यांकन। द प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस का मतलब होता है एक तरीके से, प्रीवेलेंस का मतलब एक तरीके से व्यापकता, है ना, किसी चीज़ का बने रहना, व्यापक स्तर पर बने रहना। प्रीवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन एट द कम्युनिटी लेवल एट ए सुटेबल स्केल, है ना। वाट इट इज़ डूइंग टू असेस द प्रीवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन कि भाई असेस, कि भाई केंद्र सरकार ये मूल्यांकन करने के लिए, केंद्र सरकार यह पता लगाने के लिए कि भाई कम्युनिटी लेवल पर जो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बना हुआ है ना, कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी लेवल पर जो है फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है, इसके मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार जो है क्या कर रही है ना, केंद्र सरकार को इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करना है ना। विच इज क्रूशियल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल का मतलब होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण, कि भाई यह बात जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यह पता लगाएं कि भाई कोरोना वायरस जो है कहीं सामाजिक स्तर पर तो नहीं फैला हुआ है ना, इसका पता, और इस प्रकार का इसका पता लगाने के लिए जो है केंद्र सरकार क्या कर रही है ना। टू आइडेंटिफाई, यह पहचानने के लिए फोकस एरियाज कि भाई हम जो है यह पता लगाने का प्रयास करें कि भाई कोरोना वायरस जो है सामाजिक स्तर पर तो नहीं फैल रहा है, ताकि हम जो है फोकस एरियाज, है ना, कि भाई उन एरियाज़ को पहचान सकें जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एंड डिसाइड, और ये निश्चय कर सकें द कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, और फर्दर कि भाई अब आगे हमें क्या करना है। अनलॉक फेसेस टू एंड द कोर्स ऑफ फर्दर अनलॉक फेसेस का मतलब है कि भाई धीरे धीरे, फेस बाई फेस का मतलब है चरण दर चरण, ये जो कोरोना वायरस को जो है हम चरण दर चरण, ये जो लॉकडाउन को हम खोल रहे हैं, तो इसको जो है और आगे हम जो है इस मार्ग को निर्धारित कर सकें कि भाई कहाँ जो है हमें लॉकडाउन को हटाना है और कहाँ नहीं हटाना है, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए, फोकस एरियाज हमें जो है पता करने चाहिए कि कहाँ कोरोना वायरस है ना किस मात्रा में, किस हद तक जो है फैला हुआ। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो क्या पढ़ा हमने इस एडिटोरियल में, एक बार जो है फिर से देख लेते हैं, है ना। वैसे तो हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। तो इस एडिटोरियल में हमने ये जाना कि भाई जो है एडिटर हमें ये बताना चाहता है कि भाई भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को बिल्कुल ठीक ढंग से हम जो है निर्धारित करें। वर्तमान हालात जो है कोरोना वायरस के माध्यम, कोरोना वायरस के दौर में जो मौजूदा हालात है वो बहुत ही ख़राब है, और ऐसे हालातों में अगर हम ये जो धार्मिक स्थान है इनको अगर लोगों के लिए खोल देते हैं ना, तो कोरोना वायरस का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मंदिर, मस्जिद और ये गिरजाघर हैं इनको फ़िलहाल के लिए बंद रखें, है ना। फिर हमने देखा कि एडिटोरियल में ये बात की गई कि भाई अमेरिका में जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि भाई ये जो सार्वजनिक स्थान है ना, इनको तो लगभग 3 महीने से लेकर कम से कम जो है साल भर तक जो है इनको तो बंद ही रहना चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी हो सके ना उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सावधानी बरती जानी चाहिए। फिर एडिटोरियल बात करता है कि भाई जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं ना,
तो उन महत्वपूर्ण स्थानों पे अगर आप क्या करते हो, अगर पूरी की पूरी सुरक्षा भी बरतते हो ना, तब भी कोरोना वायरस फैलने का जो है खतरा बना रहता है ना। तो ऐसे हालातों में आप जो है किसी भी सूरत में इन चीज़ों को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है आप क्या करो, इन चीज़ों को मतलब धार्मिक स्थानों को लोगों के लिए खोल दो। तो वर्तमान में जो हमारा फोकस होना चाहिए वो पूरा के पूरा फोकस जो है अर्थव्यवस्था के सुधार को जो है लेकर होना चाहिए ना। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। इसके अलावा एडिटोरियल बात करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं ना हमें जो है ध्यान बरता जाना चाहिए वो ये कि भाई लॉकडाउन को लेकर जो नियम कानून हमने बना रखे हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू लगा देना है ना, इसके अलावा लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहना है, इसके अलावा जो लोग जो है वल्नरेबल कंडीशन में है ना, जो लोग जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इनको जो है एहतियात बरतना है, तो ये सारी बातें जो हैं इन सब का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो कुछ मीनिंग इनके देख लेते हैं ना, वैसे तो सारे मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इन मीनिंग को जो है ना आप साथ साथ नोट करते जाया करो, है ना। तो ट्रांसमिशन का मतलब है संचरण, सोबर डाउन का मतलब है और ज़्यादा गंभीर हो जाना, ग्रेन का मतलब है किसी गुण की छोटी मात्रा, क्रिपल्ड का मतलब है बिल्कुल पंगु हालत में आ जाना, इनॉर्मस का मतलब है अत्यधिक मात्रा में, और पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है चीज़ों को गलत ढंग से करना, प्रीवेलेंस का मतलब है एक तरीके से प्रसार, फैलाव, व्यापकता, और क्रूशियल का मतलब है अत्यधिक महत्वपूर्ण।